ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक रोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बांदा में आज पानी के लिए आक्रोश से लोगों ने जमकर बवाल काटा। बूंद बूंद पानी को बेहाल जनता आज सड़कों पर उतर गई है। मुख्य शहर के बलखंडी नाका पुलिस चौकी के पास सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिला और बच्चे हाथ में खाली डिब्बे और बाल्टियां लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुछ महिलाएं तो बीच सड़क पर लेट गईं। पानी के परेशान लोगों ने जल संस्थान और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। पानी मिले हमको इतना दिक्कत है कि बुंदा पानी नहीं आता, टैंकर नहीं आते, हमको पाइपलाइन चाहिए, हमको पानी ऐसे नहीं चाहिए, पाइपलाइन चाहिए अधिकारी। सूचना दिया गया, कोई नहीं आ रहा है, पानी नहीं मिलता। कितने दिनों से समस्या है? एक महीने हो गए, पानी आता नहीं है मोहल्ले में, एक बूंदा पानी हमारे मोहल्ले में नहीं आ रहा है। बोर इतनी बड़ी सप्लाई खुलवाते रहे जब तक वोटन का काम था, और जहाँ वोट पड़ गए तब तो सप्लाई भी गोल है, एक बूंदा पानी नहीं आ रहा। आज हमें सप्लाई चाहिए, ये जो समस्या है पानी की समस्या हुई है, इसके लिए क्योंकि तत्काल में हम लोग टैंकर से ही, हमने अभी एसडीएम साहब भी बैठे हुए हैं, जब इनको ये कहा है कि आप अपने यहाँ पे जेई को लगा कर ये दिखवा लें कि कहाँ कहाँ ज़्यादा, और एक पॉइंट बनाएं, 10 या 12 स्थान चुन लें और हर 6 से 8 घंटे पर टैंकर लगा करके 6 टैंकर के माध्यम से एक बार। बांदा से इमरान खान की खास रिपोर्ट।